हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि सबसे अच्छा बैंक आपके लिए यूएस में आप आते हो तो सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। तो सबसे पहले इंसान आता है, सबसे पहले तो ये हेजिटेशन होती है कि SSN नहीं है, सिर्फ इंडियन पासपोर्ट है, कहाँ जाएँ कैसे जाएँ। तो सबसे अच्छा बैंक तो देखो वही है जो आपका पैसा सेफ रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए आप किसी के लालच में आके कहीं पे अकाउंट खुलवा लो, कल को बैंक डूब जाए फिर आप ढूंढते रहो, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम है। तो आपको ऐसा ऑप्शन देखना है जो आपके लिए सेफ भी है और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट भी देता है। तो होता क्या है, जनरली कभी भी कोई भी यूएस में आता है तो सबसे पहले उनको दिखता है कि बैंक ऑफ अमेरिका ही है जो बिना SSN के आपका बैंक अकाउंट खोलेगा, पर ऐसा नहीं है। शुरू में मैंने भी बैंक ऑफ अमेरिका ही की ही अपॉइंटमेंट ली थी, पर बाद में रियलाइज़ हुआ नहीं, बैंक ऑफ अमेरिका कुछ इंसेंटिव नहीं देता है। और काफ़ी बैंक हैं, PNC बैंक बताया मेरे फ्रेंड ने, चेस बैंक बताया, तो पता चला कि काफ़ी बैंक्स हैं जो आपको अलग से इंसेंटिव्स देते हैं। फिर मैंने थोड़ा सा अपॉइंटमेंट बुक करी, लकीली जहाँ मैंने अपॉइंटमेंट बुक करी वहाँ पे इंडियन बैंकर था वो मिला, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं सेफ़ है, सब अच्छा है। और SSN नहीं चाहिए होता, SSN आपको मतलब जब आप आ जाएगा SSN तब आप अपना SSN अपडेट कर दो। SSN से बस ये है कि आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो बननी शुरू हो जाती है। बाकी बैंक ऑफ अमेरिका ऐसा नहीं है कि आपको वहीं जाना है, आप आराम से अपना दूसरे बैंक्स में जा सकते हो। तो मैंने तो चेज़ बैंक को ऑप्ट किया, JP Morgan का बैंक है तो ट्रस्ट भी है। दूसरा फिर लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मतलब बड़ा बैंक है पैसा नहीं डूबेगा। और ब्रांचेस की तो देखो ऐसी अवेलेबिलिटी नहीं है, ब्रांच तो आप कहीं से भी ऑपरेट करो, शायद मेरे को नहीं लगता आपको बैंक आना भी पड़ेगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है। पर हाँ इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप किसी के रेफरल लिंक से आते हो, जैसे मैं अपने फ्रेंड के रेफरल लिंक से आया तो मुझे $200 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कहने का मतलब सपोज़ करो मैं एक लिंक देता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वैसे, अब मैं लिंक देता हूँ तो उसके थ्रू अगर आप अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको $200 मिलेंगे फ्री में। यार $200 मेरे को नहीं लगता कोई छोटा अमाउंट है, आप आराम से एप्पल के 2 AirPods ले सकते हो, एक अपने किसी फ्रेंड को दे सकते हो, वाइफ को दे सकते हो, गर्लफ्रेंड को दे सकते हो, भाई को दे सकते हो, पेरेंट्स को दे सकते हो, एक खुद रख सकते हो जैसा लगे, पर $200 मेरे को नहीं लगता कोई ऐसा अमाउंट है आपको छोड़ना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही है, सबसे पहले एक अकाउंट अपना चेकिंग अकाउंट आप खोल रहे हो तो बैंक ऑफ अमेरिका मत भागो, आप अपना चेज़ बैंक पे जाओ। PNC बैंक भी बताया, वो तो शायद $400-500 देता है, पर मेरे को उस पर ट्रस्ट नहीं हो रहा था। मैंने कहा नहीं यार इतना लालच नहीं करते, कोई बंदा अगर आपको $500 दे रहा है तो ऐसे नहीं होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। वैसे गड़बड़ नहीं होती है, पर हाँ अभी थोड़ा क्राइसिस है, कोविड पेंडेमिक गया है, कुछ प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैंने फिर भी JP Morgan का बैंक चेज़ बैंक को ऑप्ट किया। तो अभी अकाउंट खुलवाया है, पैसा आपको जो $200 मिलेगा तब मिलेगा जब आपको पहला कोई डायरेक्ट डिपॉजिट होगा। डायरेक्ट डिपॉजिट मतलब कोई आपको जैसे सैलरी आएगी, आपका एम्प्लॉयर पैसा डालेगा तो उसके बाद आपको $200 मिल जाएंगे। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, परेशान मत हो यार, सबसे बढ़िया है चेज़ बैंक आओ, चेज़ बैंक में अपना अकाउंट खुलवाओ, $200 मिलेंगे फ्री के, अपना कंटिन्यू करो। ज़्यादा अगर आपको कुछ लगता है नहीं बैंक ऑफ अमेरिका ही जाना तो आप जा सकते हो, पर मेरे हिसाब से वो बेवकूफ़ी होगी, बाकी जैसा आपका मन करे। तो इस वीडियो को मैं बंद करता हूँ, और कुछ है नहीं इसमें शेयर करने के लिए, मज़े करो यार।